गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है मेरे बेटे की डिमांड पर मेरे किचन में पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ले लिया है, 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर लेंगे, 3 चम्मच मैं इसमें डालूंगी मकई का आटा जो कि बहुत हेल्दी होता है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर या फिर वाइट पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें। ऑरिगेनो डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें गाढ़ा वाला दही ले लिया है, अगर आप चाहें तो घर का जमा दही ले सकते हैं या फिर मार्केट वाला। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसको अच्छे से बैटर बना लें, मिक्स कर लें इस तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, इससे बैटर हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें चुकंदर भी डाल दिया है, इससे इसका कलर भी बढ़िया आएगा और हेल्दी भी होता है चुकंदर। पैन को कर लिया है मैंने गरम और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो, और इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल। पहले पिज़्ज़ा जब आप बनाएंगे उसी में तेल डालने की ज़रूरत है, उसके बाद तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैटर हम स्प्रेड कर लेंगे, ढक करके 30 सेकेंड के लिए कुक करेंगे। इसको हम टर्न कर लेते हैं दूसरी तरफ और इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां जो आपके बच्चों को पसंद हो वो डाल दीजिए। मैंने टमाटो रिंग्स और अनियन रिंग्स करके इसमें डाला है और खूब सारा चुकंदर डाल देंगे। ऊपर से ढेर सारा हम इसमें डालेंगे चीज़ जो कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला या फिर चीज़ स्लाइसेस। ऊपर से हमने ऑरिगेनो डाल दिया है, इसको हम कुक कर लेते हैं 2 से 2.5 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाता है। और ये देखिए रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा टमेटो केचप डाल देते हैं या फिर आप इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं। ऑरिगेनो की सीजनिंग आप कर लीजिए या फिर चिली फ्लेक्स हो वो भी डाल सकते हैं। और इसको कट कर लेते हैं हम कुकी कटर की मदद से। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, मेरे बच्चे कई बार बनवा लेते हैं मुझसे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।